हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गिन्नी। यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज, करमपुरा न्यू दिल्ली। ब्रीजा LXi वंस अगेन, ऑडियो सेटअप प्लस स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल प्लस आर्मरेस्ट प्लस रियर का चार्जर प्लस फ्रंट का चार्जर, डैम्पिंग, बट मेन फोकस ऑडियो सिस्टम, बिकॉज LXi बेस मॉडल में सबसे पहली यही चीज़ें कराने वाली जो इसमें लक्कर नहीं आती है। तो मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा, हमने इसके अंदर लगाया है ऑनक्यो का स्टीरियो, एंड्रॉयड स्टीरियो, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीज़ें मिलती है। और अगर आपको ऑनक्यो के बारे में नहीं पता है तो ऑनक्यो बहुत पुराना जैपनीज ब्रांड है और इंडिया में ही बहुत पहले से है। और ये जिस प्राइस, इसके दो तीन मॉडल्स हैं हमारे पास, जैसे 1200 है हमारे पास, 1100 भी है, 1800 भी है इसकी प्राइस। अगर आप कोई और एंड्रॉयड स्टीरियो जो नॉन ब्रांडेड लगाने वाले हो तो मैं आपको ये बता दूं, उस प्राइस रेंज में ही आपको ये वाला एंड्रॉयड स्टीरियो मिलता है विद एक्चुअल ब्रांड नेम, विद एक्चुअल प्रोडक्ट जो इसके अंदर है। अगर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ना कि 1080 पिक्सल की फुल HD है तो है, 2.5D IPS LCD है तो है, एक्चुअल DSP इसके अंदर वर्क करता है तो वो करता है, एक्स्ट्रा माइक आपको मिलता है, प्लस 1 ईयर की वारंटी इसमें आपको मिल जाती है। इसके साथ हमने रियर में बैक कैमरा भी लगाया, वो भी फुल HD। स्पीकर्स की बात करता हूँ तो हमने इसके अंदर हर्ट्ज की सेकेंड सीरीज, जो डाइची सीरीज आती है, DSK 165, वो लगाई हुई है। बहुत बढ़िया सीरीज है, बहुत बढ़िया स्पीकर है, चारों डोर में कॉम्पोनेंट लगाए हैं, प्लस 2 लेयर डैम्पिंग की है। एक आपको फिटिंग फिनिशिंग दिखाएंगे के डैम्पिंग करने का, स्पीकर लगाने का किस तरीके का एक नजर आता है। ये हमारा क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर का काम होता है कि एक फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो ट्विटर में चली जाती हैं और जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्पीकर में चली जाती हैं, सो दैट वो अच्छा रिजल्ट दे, सो दैट वो अच्छी बेस दे, अच्छी क्लैरिटी दे, तो ये कॉम्पोनेंट बोले जाते हैं। और एक बड़ा फर्क होता है, जो बेसिक लेवल के जितने भी कॉम्पोनेंट्स अगर आप देखोगे उनमें या तो क्रॉसओवर नहीं होते या अगर होते भी है तो उनका उतना कोई काम ही नहीं होता है। ये हमने बेसिक से ऊपर वाली सीरीज लगाई है सो दैट अच्छा रिजल्ट निकल कर आए। चारों डोर्स अभी हमारे खत्म हो चुके हैं। स्टीरियो की एक फिटमेंट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होती है, उसको पियानो ब्लैक फ्रेम लगा के किया जाता है स्टीरियो को फिट, प्लस टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील भी लगाया हुआ है। टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा, टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील भी लगाया हुआ है, इसके अंदर बेसिक स्टीयरिंग व्हील लगकर आया हुआ था। अभी आपके स्टीयरिंग के बटन भी काम करेंगे, आप फोन भी उठा सकते हो, फोन को काट भी सकते हो। इसको लगाने के लिए हमारे को हब बदलना पड़ता है जो हम साथ में बदल के देते हैं, मारुति का ही ओरिजिनल आर्मरेस्ट लगाया हुआ है बीच वाली दोनों सीटों के बीच में। उसके साथ हमने नीचे रियर में USB चार्जर भी लगाया हुआ है सो दैट पीछे वाला बंदा जो बैठा है वो चार्जिंग कर सके, बड़े काम की चीज़ है। प्लस फ्रंट में भी USB चार्जर हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। जो रियर में कैमरा लगाया हुआ है वो हमने लगाया नंबर प्लेट के ऊपर, जो इसकी ओरिजिनल पोजिशन होती है। ब्लॉपंग का HD कैमरा लगाया है, नॉर्मल कैमरा हम लोग नहीं लगाते हैं। अच्छा काम अच्छा ही होता है, वो दिखता है, वो चलता है आपके साथ। ये सारा काम करने में हमारे को लगभग 3 घंटे का टाइम लगा है और जो कॉस्टिंग आई है जिसमें स्टीरियो, स्पीकर, डैम्पिंग, स्टीयरिंग, आर्मरेस्ट, जो चार्जर है सब, प्लस एम्बियंट लाइट भी लगाई है, एक्टिव एम्बियंट लाइट, सेट ऑफ 10 पीसेस की एक्टिव एम्बियंट लाइट लगाई हुई है हमने इसके अंदर। जो एप्लीकेशन कंट्रोल्ड है, यू कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू योर मूड, अपने हिसाब से डिम करो, ब्राइट करो, सब कुछ करो। तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ के अंदर ये सारा काम हुआ है, इसको करने में 3 घंटे। और एक कॉस्ट का आइडिया मैंने आपको इसलिए दिया है सो दैट आप अपना बजट उस हिसाब से बना सको। एक ब्रीजा को अच्छा रेडी कराना होगा तो अभी सीट कवर्स रह गए, रियर हेडरेस्ट रह गए, फॉग लैंप्स रह गए, फ्रंट की LEDs रह गई, स्किड गार्निशेस रह गई, बड़ा कुछ रहता है। आप एक ही बार में कराओ, आप दो पार्ट में कराओ, सब आपके ऊपर है, बट अच्छा काम कराओ सो दैट वो आपके साथ रहे, वो रिलायबल होना चाहिए। स्टीरियो पे इसलिए फोकस करते हैं सो दैट उसी ने गाड़ी का गेट खोलने के बाद जब दरवाज़ा खोलोगे उसी ने नजर आना है, उसी ने चलना है। स्पीकर अच्छे इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने बजना है, आपके साथ रहना है, आपके मूड को उन्होंने चेंज करना है। हर बार सिर्फ मैं नई से नई चीज़, जैसे अभी मैं ब्लॉपंग के स्टीरियो दिखाता हूँ, ऑनक्यो के दिखाता हूँ, उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही होता है सो दैट एंड में आपको अच्छी चीज़ मिल सके, आप जो पैसे खर्च रहे हो उसकी वर्थ आपको मिल सके। ये कैसा लगा होगा कंसेप्ट और ये वीडियो हमारे को ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।